हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज़ यहाँ पर आईपीएल 2020 का शेड्यूल जल्दी ही आउट होने वाला है और इसके लिए किंग्स इलेवन पंजाब यहाँ पर लगभग अपनी तैयारियाँ कंप्लीट कर चुकी है, जो कि हमने ऑक्शन में भी देखा था। इस बार इन्होंने अपनी पूरी टीम यहाँ पर बदल कर रख दी है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तीन बड़े रीजन्स बताने वाला हूँ जिनकी वजह से पहली बार आईपीएल की हिस्ट्री में किंग्स इलेवन पंजाब हमें चैंपियन बनते हुए नजर आ सकती है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। और इसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब किंग्स इलेवन पंजाब एक ऐसी टीम थी जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा था आईपीएल की नीलामी में और काफी हद तक इन्होंने इस पैसे को अच्छी तरह से यूटिलाइज भी कर लिया। तो यहां पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे तीन बड़े रीजन जिनकी वजह से किंग्स इलेवन पंजाब काफी बेटर परफॉर्म करने वाली है और आईपीएल की ट्रॉफी अगर इन्हें जीतनी है तो ये तीन फैक्टर्स यहां पर काफी इंपॉर्टेंट भूमिका इसमें निभाने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि यहां पर किंग्स इलेवन पंजाब को आईपीएल का टाइटल दिला सकता है वो होने वाला है की गुड इंडियन कोर। अब इस फैक्टर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आईपीएल में जो भी टीम अच्छा परफॉर्म करती है उनके पास यहां पर इंडिया की एक अच्छी कोर होना बहुत जरूरी है। किंग्स इलेवन पंजाब एक ऐसी टीम रही है जिन्होंने इस मैटर में हमेशा स्ट्रगल किया है। उनके पास इंडिया की कभी भी एक अच्छी कोर मौजूद नहीं थी, लेकिन अगर इस बार की हम किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को देखें उनके पास यहां पर केएल राहुल अवेलेबल है, मयंक अग्रवाल, करुण नायर, मनदीप सिंह अवेलेबल हैं, दीपक हुड्डा आ गए हैं, मोहम्मद शमी आ गए हैं, कृष्णप्पा गौतम है। तो ये जो इंडिया की इनके पास एक कोर है जो कि टी20 में स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं वो यहां पर किंग्स इलेवन पंजाब के पास फाइनली आ चुकी है। तो ऐसे में अब इनको डेविएट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अपनी टीम फॉर्मेशन से। और अगर ये सारे प्लेयर्स इनकी टीम में रहते हैं और इनको सारे मैचेस खिलाए जाते हैं बिना किसी चेंजेस के तो किंग्स इलेवन पंजाब को चैंपियन बनाने में जो इंडिया की कोर है ये काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। फिलहाल हम बात करते हैं पॉइंट नंबर टू की तरफ और पॉइंट नंबर टू होने वाला है इनके पास टी20 स्पेशलिस्ट का होना जो कि यहाँ पर सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं। अब अगर आप टी20 क्रिकेट की बात कर लो या फिर आप आईपीएल की बात कर लो, कई सारे मैचेस इसमें ऐसे होते हैं जिस पर आपको एक ऐसे बैट्समैन, एक ऐसे बॉलर, एक ऐसे हिटर की जरूरत होती है जो कि सिंगल हैंडेडली आपको यहाँ पर मैच जिता सके। हम देख चुके हैं टी20 क्रिकेट में कई सारे हिटर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने दम पर ही मैच पलट देते हैं। और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम में बैलेंस होने के साथ साथ इस बार काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर से जो कि अकेले दम पर मैच जीतने का मादा रखते हैं। आप बात कर लो क्रिस गेल की और इसके साथ ही ग्लेन मैक्सवेल आ गए जिससे मिडिल ऑर्डर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। निकोलस पूरन की एबिलिटीज के बारे में हम सबको पता है, इसके साथ ही सेल्डन कॉटरेल जिस दिन उनका दिन होता है उस दिन उनको खेलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो किंग्स इलेवन पंजाब के पास इस बार ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं जो कि अपना दिन आने पर अपने हिसाब से मैच जीत सकते हैं। हालांकि आप इनके ऊपर रोज डिपेंडेंट नहीं हो सकते, जैसे कि क्रिस गेल है आप उनके ऊपर रोज ये प्रेशर नहीं डाल सकते कि वो जाएंगे और आपको मैच जिता के देंगे, लेकिन जिस दिन ये चल गए उस दिन बाकी टीमों के लिए ये पर अकेले ही काफी रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा और फाइनल पॉइंट जो कि किंग्स इलेवन पंजाब ने इस बार बहुत बढ़िया किया है जो कि इनको आईपीएल जिताने में हेल्प कर सकता है और वो होने वाला है अनिल कुंबले का इनकी मैनेजमेंट टीम में इंक्लूजन। किंग्स इलेवन पंजाब का जब भी नाम आता है हर बार लोग यही बोलते हैं कि खराब मैनेजमेंट है, इनका मैनेजमेंट इनकी टीम के मैटर्स में यहाँ पर इंटरफेयर करता है। तो इस वजह से अनिल कुंबले को इन्होंने जोड़ा कि आखिर कोई तो समझदार आदमी हो जो कि इनके क्रिकेटिंग अफेयर्स को यहाँ पर कंट्रोल करके रखे। और वो हमें ऑक्शन में देखने को भी मिला जहाँ पर अनिल कुंबले ने ऑक्शन में अपना काफ़ी दिमाग लगाया, काफ़ी स्ट्रेटजीज उन्होंने लगाई और उसके बाद किंग्स पंजाब को एटलीस्ट एक ऐसी टीम उन्होंने दी जो कि लास्ट की किसी भी टीम से ज्यादा बेटर है। तो अनिल कुंबले यहां पर क्योंकि इनकी टीम में अभी भी मौजूद है और ऐसे में जो प्लेइंग 11 होने वाली है उसमें अनिल कुंबले का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहने वाला है। और हमें पता है कि यहां पर अनिल कुंबले काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं अपने डिसीजंस की वजह से। और किंग्स इलेवन पंजाब की अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देख लो तो ये टीम बदनाम है कि ये बार बार प्लेयर्स को रिप्लेस करते रहती है। एक मैच खिलाते हैं उसमें अगर कोई नहीं चलता तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। और किंग्स इलेवन पंजाब की एक ऐसी टीम है जो कि औसतन यहां पर हर मैच में तीन प्लेयर्स को रिप्लेस कर देती है अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं। तो अनिल कुंबले के आ जाने के बाद से ये चीज नहीं देखने को मिलने वाली। केएल राहुल को वो कैप्टन बना चुके हैं और इस बार अगर किंग्स इलेवन पंजाब अपनी टीम को सेटल्ड बना के रखती है, एक वो कोर तैयार कर लेती है और यहां पर अगर उन प्लेयर्स को बार बार चांस दिए जाते हैं अपने आप को प्रूव करने का और उन्हें एक दो मैच खेल के नहीं निकाला जाता है तो किंग्स इलेवन पंजाब के इंपैक्ट की वजह से किंग्स इलेवन पंजाब काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकती है आईपीएल 2020 में। तो ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कर सकते हैं लाइक, इसके साथ ही कॉमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि आपके हिसाब से किंग्स इलेवन पंजाब की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। तो मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।